हेलो नमस्ते, आपका स्वागत है मेरे चैनल सोनम का सफ़र में। और आज मैं कुछ गैजेट शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। कुछ डाउट है मेरे मन में, क्योंकि जैसे जैसे मेरी यूट्यूब की फैमिली बढ़ रही है और जैसे जैसे मैं अच्छे अच्छे कंटेंट ला रही हूँ, तो मुझे एडिटिंग के लिए थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। फ़ोन से ही एडिटिंग करना और फ़ोन से ही शूट करना, मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़ोन के ऊपर ज़्यादा ही मैं प्रेशर डाल रही हूँ अपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एप्पल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं एप्पल के फ़ोन चला रही हूँ। और अभी भी जो मैं सोच रही हूँ वो मैं मैकबुक और आईपैड के बीच मेरा कन्फ्यूज़न है कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है वीडियो एडिटिंग के लिए। और आज मैं सोच रही हूँ शॉप में जाऊँ और थोड़ी क्वेरी करूँ और अपने जो भी मेरे डाउट हैं उसे क्लियर करूँ, क्योंकि मुझे एज अ गर्ल ब्लॉगर, जैसे मैंने आईफोन 13 मिनी लेने के टाइम भी बोला था कि मैं बड़े बड़े गैजेट्स नहीं यूज़ कर सकती हूँ, मैं धोखे घूम नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरा बैक टू बैक ट्रैवलिंग होता है, तो मुझे ऐसा कॉम्पैक्ट एडिटिंग वाला बोल दीजिए आप गैजेट चाहिए एडिटिंग के लिए, वो चाहे शूटिंग के लिए हो, मुझे ऐसे गैजेट चाहिए होते हैं जो बहुत कॉम्पैक्ट हों। मैं हर जगह ढोड़ों के नहीं घूम सकती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम जाती है। तो आज देखते हैं और जाके शॉप में जो रहते हैं भैया लोग, उन लोगों से बात करते हैं कि कौन सा बेस्ट है एडिटिंग के लिए, कैरी करने के लिए। और मुझे एंड्रॉयड और विंडोज़ ये सब चलाने नहीं आते, या मैं भूल गई बोल दीजिए, क्योंकि जब से मैं आईफोन चलाना सीखी हूँ और चला रही हूँ तब से मुझे कोई अदर गैजेट्स नहीं जमते हैं एप्पल के अलावा। तो आज भी मैंने दो ऑप्शन ही रखा है, एक मैकबुक और एक आईपैड। तो आइए मेरे साथ चलते हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन है ये जानने के लिए। तो पहुंच गए हम होमा शॉप में और जो डाउट है मैंने आपसे बताया वो क्लियर करते हैं और आपसे मैं वो सब चीजें शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बहुत रश है, बहुत भीड़ है, संडे है ना, आज सब लगे। तो ये देखिए, शॉप पहुंच के मुझे वहाँ के जो एक भैया थे वो कुछ मेरा बोल दीजिए कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मैंने उनको सब बताया और वही ये डिस्कशन चल रहा है कि मुझे एडिटिंग के लिए मैकबुक या आईपैड प्रो में क्या लेना चाहिए। उठा के देख सकते हो, उठा के देखो, ये पेंसिल स्केचेस बनाने के लिए बहुत अच्छा है, इसको भी एक्चुअली चार्ज करना पड़ता है शायद, मुझे पता नहीं है। आईपैड देखने के बाद हम मैकबुक को भी एक बार ब्राउज करने के लिए जा रहे हैं देखने के लिए, तो देखते हैं। कंफ्यूजन का शिकार, यहाँ आके इतना कंफ्यूजन बढ़ गया, लगता है कि ये या वो, आईपैड या मैकबुक, ये
दोनों खरीद है 50-50 और दो जगह पैर नहीं रख सकते। वाईफाई में सिल्वर ऑप्शन अवेलेबल है और सेल्यूलर इसमें प्राइस बता दो। सेल्यूलर नीचे वाईफाई में सिल्वर है। कैसे निकलिएगा ये बताइए। एक साइड मैकबुक एयर है और एक साइड आपके आईपैड प्रो है, ये तो छोड़ ही दो। क्या मैं कोई एक गैजेट चूज कर पाऊंगी? बने रहिए बने रहिए। टडम टडम। और ये देख रहे हैं तो ये देख लो मैकबुक प्रो। तो ये उसने यही लिया है 192 वाला 16 लाख का। फाइनल वर्डिक्ट का टाइम अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि अब आई पैड प्रो प्रो इज डन हो चुका है। तो चला है प्रो डन होने के बाद वो डन हो गया है। सारी चीज़ें सोची मैंने बाद में, तो आईपैड प्रो डन और अब फिलिंग करते हैं। आ गई नई मशीन क्या है Here comes the machine. बताइए एक्सेल हार्डवेयर है, डैमेज नहीं आता, स्क्रीन टूटता है, डैमेज हो तो एप्पल में जाएगा, वन टाइम प्रोमा खर्चा करें। वो प्लान बहुत सस्ता है, अच्छा है, अगर स्क्रीन टूटेगा तो कुछ 40-50 खर्चा है, तो वन टाइम बिल करके प्राइस देख ले तो अच्छा लगता है। और कुछ पैक है? नहीं। मैं अभी से फिटिंग करेगी। तू करेगी इसमें तो अच्छी से अडेप्टर आ रहा है। इसमें कम से कम चार्जर दे रहे हैं वो अच्छी बात है, पर ये लोग इसके इसके लिए क्या होते हैं दो दो किडनियां भी ले हैं। चार्जर के नीचे कुछ है क्या? नहीं 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 है नहीं है। Yes.
नकली एयरपॉड आईपैड आईफोन 13 मिनी के बाद बहुत सीधे हम नीचे डाउन एवेंजर सबको मामा कहे थे एवेंजर में आ गए पावर पावर एवेंजर्स क्या था वो आयरन मैन आयरन मैन कुछ मीठा हो जाए कुछ मीठा मीठा हो जाए अभी इसकी पूजा भी करनी है बोलो हर हर महादेव नो इधर जाओ ट्रैफिक है अरे कैसे बच्चों से पकड़ के ये मेरे कलेजे का टुकड़ा बना हुआ है भाई बहुत बहुत महंगे आते हैं आईफोन के सारे प्रोडक्ट बहुत ही महंगे आते हैं बस जिगरा चाहिए लेने के लिए कुछ तेज पूजा कर ली जाए है ना पूजा कर लेते हैं और खुशी इतनी हो रही है कि भूख भी लग रही है यहाँ पे क्रोमा के सामने मॉल है और मॉल के बाहर चौपाटी है तो हम लोग सोचे क्यों ना थोड़ा पेट पूजा कर ले भूख लगाई और मैं काफी सालों से सैंडविच बाहर की खाई नहीं हूँ तो वही ट्राई कर रही हूँ चलिए मेरा तो अभी खाना खजाना चल रहा है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और तब तक आप अपना ख्याल रखिए अपने परिवार का ख्याल रखिए बाय बाय